हेलो फ्रेंड्स, सुविधा नेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मूंगफली की चटनी। मूंगफली की चटनी इडली के साथ, डोसे के साथ और आप मिर्च वड़ा के साथ भी आप खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज हम स्पेशल तरीके से बनाएंगे मूंगफली की चटनी। मूंगफली की चटनी बनाना शुरू करते हैं। मूंगफली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है, ये रोस्टेड मूंगफली है, एक कटोरी रोस्टेड मूंगफली लिया है और थोड़े से लहसुन और चार बड़े लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच नमक, दो चुटकी हल्दी और थोड़ा सा ये गुड़ लिया है और ये नींबू का रस एक चम्मच। तो सबसे पहले हम मूंगफली की चटनी बनाने के लिए मिक्सी की जार में ये मूंगफली डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे ये जो मिर्च मैंने लिया है, ये चार मिर्च डाल देंगे, ये आधा चम्मच नमक डाल देंगे और ये जीरा हमने लिया है, जीरा आधा चम्मच डाल दिया, ये लहसुन की कलियां हमने छील के जो रखी थी वो डाल देंगे और इसमें हम नींबू का रस भी इसमें डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये देखिए बहुत ही फाइन पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको किसी प्लेट में या कटोरी में निकाल लेंगे। मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर और ये सारे पेस्ट हम निकाल लेंगे। मूंगफली की चटनी तैयार हो गई है। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हम एक कलछी लेंगे और इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालकर गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच ये राई। राई नहीं हो तो आप सरसों भी डाल सकते हैं और इसमें दो लाल मिर्च और ये हल्दी जो मैंने लिया है, हल्दी भी इसमें डाल देंगे और ये गुड़ डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम, ये देखिए बहुत ही अच्छा हुआ है। ये देखिए अब इसको हम चला लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने तड़का लगा दिया है, ये बहुत ही अच्छा कलर आया है मूंगफली की चटनी का। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, हम नए नए वीडियो आपको देते रहेंगे। तो इस तरह से आप मूंगफली की चटनी बनाइए और इडली और डोसे के साथ इसका मज़ा लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। धन्यवाद।